जय हिंद विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने जो है तरंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तरंग में हमने आप लोगों को बताया है कि तरंग क्या है, तरंग कितने प्रकार की होती है, और हमने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में चर्चा किया है। अब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चल रहे हैं, जो यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा में सवाल पूछा भी गया है, तरंग की चाल का फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों, तरंग की चाल का फॉर्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, वी बराबर होता है एन इंटू लेमडा, वी बराबर एन लेमडा, ये यूपी कैडेट में ज़रूर पूछा जाता है। कभी कभी बच्चों वी बराबर एफ लेमडा लिखा होता है, वी बराबर एफ लेमडा, ठीक है। अब ये जो एन है या एफ है या कभी कभी न्यू लिखा होता है, वी इज इक्वल टू न्यू लेमडा, वी इज इक्वल टू ऐसे लिखा होगा न्यू इंटू लेमडा, तो एन एफ या न्यू, एन या जो है एफ या न्यू, ये है क्या? इसको कहते हैं आवृत्ति, इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी, ये आवृत्ति होता है। तो अब ध्यान रखिएगा, तरंग की चाल, जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमें स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला निकालना है, तो स्पीड वी इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा वेव लेंथ के बराबर, कितने समय में, एक टाइम पीरियड, एक आवर्तकाल में, ठीक है। तो वी बराबर होता है लेमडा पांटी, कभी कभी यूपी कैडेट में ऐसे मिल जाता है, वी बराबर होता है लेमडा पांटी। तरंग की चाल वी बराबर, लेमडा का मतलब होता वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य, और कैपिटल टी का मतलब होता टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आवर्तकाल का क्या मतलब है? आवर्तकाल का मतलब हमने बताया है कि एक दोलन पूरा करने में माध्यम का कण जितना समय लेता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है, जब किसी मीडियम में, जब किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न करते हैं तो उस माध्यम का कण कंपन करने लगता, वाइब्रेट करने लगता है। तो एक वाइब्रेशन करने में, एक कंपन करने में कण को जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से हमने आवृत्ति के बारे में बताया था, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड, नोट कर लीजिए, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को, संख्या को आवृत्ति कहते हैं, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को एन से भी डिनोट करते हैं, एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, और न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। आवृत्ति व आवर्तकाल में संबंध पूछ लिया जाता है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आवृत्ति एन व आवर्तकाल, आवर्तकाल टाइम पीरियड कैपिटल टी में संबंध, आवृत्ति व आवर्तकाल में संबंध, आवृत्ति एन बराबर होता है वन अपान टाइम पीरियड, एन इज इक्वल टू वन अपान टी होता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जो है जैसे हमने अभी लिखा था, चाल बराबर दूरी बटे समय, वी बराबर हमने लेमडा अपान टी लिख दिया था, इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू वन अपान टी, और वन अपान टी का मतलब बच्चों क्या होता है? एन होता है, आवृत्ति होता है, या इसे एफ भी कह सकते हैं, इसे न्यू भी कह सकते हैं। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा हो सकता है, या वी बराबर एन लेमडा होता है, तरंग की चाल वी बराबर एन लेमडा, या वी बराबर क्या हो जाएगा? न्यू इंटू लेमडा, ठीक है। कोई भी आप जो है फार्मूला मिल सकता है आपको एग्जाम में। वैसे अक्सर जो है यूपी कैडेट वाले ये वी बराबर न्यू लेमडा वाला फार्मूला पूछते हैं, ये दो बार पूछ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा वी बराबर न्यू लेमडा, न्यू का मतलब आवृत्ति। कभी कभी आवृत्ति का मात्रक पूछ लिया जाता है, आवृत्ति की इकाई, यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज, आवृत्ति का मात्रक। तो बच्चों, आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज को जो है एच जेड से डिनोट करते हैं, एच स्मॉल जेड, इसका मतलब आवृत्ति का मात्रक, या इसे जो है सेकंड इनवर्स भी कहते हैं, इसे सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब जैसे हमने बताया था कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो उन्हीं माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें रिजिडिटी होती है, जिनमें दृढ़ता होती है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसवर्स वेव उन्हीं मीडियम में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें रिजिडिटी होती है, तो ठोसों में रिजिडिटी होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं केवल ठोसों में। केवल एक अपवाद है, जल की सतह यानी द्रव की सतह को छोड़कर, द्रव की सतह पर
अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक्सेप्शन है, बाकी जो है ठोसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। इसी तरीके से हमने बताया था अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण हमने बताया था ध्वनि तरंग, साउंड वेव। ध्वनि तरंग जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों में होकर चल सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का गमन सभी प्रकार के माध्यमों से हो सकता है, सॉलिड से भी होकर चल सकती हैं, लिक्विड से भी होकर चल सकती हैं और गैस से भी होकर चल सकती हैं। सो ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से होकर चल सकती हैं। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोसों में, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोसों में, और जो है उससे कम किस में होती है, द्रव में, और सबसे कम किस में होती है, गैस में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, निर्वात में स्पीड ऑफ साउंड, निर्वात में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, तो निर्वात का मतलब कोई मीडियम ही नहीं है, और ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती, जीरो। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती, लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब ध्वनि अगर ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के माध्यम से होकर चल सकती है, तो हम पढ़ भी चुके हैं कि ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने चल रहे हैं कि जो है ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो है वायु में यानी गैस में ध्वनि की चाल पर जो है किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट, दाब का प्रभाव। तो बच्चों, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब को चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। जो चाल रहेगी ध्वनि की, उतनी ही रहेगी। जैसे कह दिया जाए, यदि वायु में ध्वनि की चाल भी हो, ठीक है, यदि वायु में ध्वनि की चाल हो, जब दाब पी हो, यदि दाब को दो गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ध्वनि की चाल पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल समानुपाती होता परम ताप के वर्गमूल के, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल भी जो है गैस के ताप के, परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर को कम करोगे तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और टेम्परेचर को कम करने पर स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। ये देखिए लिखा, माध्यम का ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और घटाने पर घटती है। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का। जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है, ध्वनि की चाल कम हो जाती है, बढ़ने पर बढ़ता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी कम होने पर स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी, बच्चों आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रिक्वेंसी चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ, वायु में ध्वनि की चाल पर फ्रिक्वेंसी का कोई असर नहीं पड़ता है। ना तो फ्रिक्वेंसी का कोई असर पड़ेगा, ना ही तो प्रेशर का कोई प्रभाव पड़ेगा। टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। माध्यम ठोस में सर्वाधिक, माध्यम का क्या मतलब है, ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है और गैसों में सबसे कम होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब बच्चों कुछ और बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझना है, जैसे अनुनाद। अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इसके बारे में समझना। रेजोनेंस का मतलब अनुनाद, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति, ठीक है, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसके वाइब्रेशन की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो वह वस्तु अधिकतम आयाम से जो है गति करने लगती है, कंपन करने लगती है, इस घटना को अनुनाद कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA का टैकोमा पुल जो है किस घटना के कारण से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो ये ऑप्शन में लिखा रहेगा, अनुनाद के कारण से, ठीक है, रेजोनेंस के कारण से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली घटना है, यहाँ पर ध्वनि का अभिलक्षण है, या तरंग का अभिलक्षण कह सकते हैं, विवर्तन। विवर्तन का मतलब डिफ्रैक्शन। ध्वनि तरंगों का अपने मार्ग में से
किसी बाधा के किनारों पर मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया है, विवर्तन के कारण बाहर से आने वाली ध्वनि मुड़कर हम तक पहुंचती है। जब हम लोग बंद कमरे के अंदर जो है बातचीत करते हैं तो खिड़कियों से होकर के, छिद्रों से होकर के ध्वनि बाहर पहुंच जाती है। पूछा जाए किस घटना की वजह से होती है, डिफ्रैक्शन की वजह से होती है, विवर्तन के कारण से होती है। इसके बाद बच्चों एक पॉइंट और है, तारत्व। तारत्व का मतलब पिच है। पिच का संबंध जो है आवृत्ति से होता है या ध्वनि तरंग की एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक साथ साउंड वेव है जिसके कारण जो है ध्वनि मोटी या सुरीली प्रतीत होती है। ठीक है, तारत्व से हम लोग पता करते हैं कि ध्वनि जो है मोटी है या जो है पतली है। अगर उच्च तारत्व की ध्वनि है तो उसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होती है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी मतलब हाई पिच, ध्यान रखिएगा ये याद रखना है। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब हाई पिच होता है, लो फ्रिक्वेंसी मतलब होता है, लो फ्रिक्वेंसी मतलब होता लो पिच, लो फ्रिक्वेंसी मतलब होता लो पिच, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब होता हाई पिच, लो फ्रिक्वेंसी का मतलब होता लो पिच। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है, हमने बता दिया, तथा वह सुरीली प्रतीत होती। जैसे बच्चों की आवाज़ जो होती सुरीली होती है क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती ज़्यादा होती है, मतलब उनकी पिच क्या होती हाई होती है। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्गों की आवाज़ होती है वो मोटी होती है क्योंकि उनकी पिच कम होती है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, ध्यान रखिएगा। आगे उदाहरण लिखा भी है, स्त्रियों का तारत्व पुरुषों की अपेक्षा तथा मच्छर का तारत्व शेर की अपेक्षा उच्च होता। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को ये पॉइंट। ध्वनि के तारत्व की ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है, फ्रिक्वेंसी का यानी जो है पिच का इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। अगला जो है विशेष गुण है ध्वनि का, ध्वनि से संबंधित क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता गुणता या तरंग, ध्वनि तरंग की विशेषता है जिसके आधार पर समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। देखो जो हमने तारत्व बताया वहाँ पर आप मोटी और सुरीली आवाज़ यानी जो है कम और ज़्यादा आवृत्ति की पहचान कर सकते हैं, लेकिन गुणता जो होता है ये भी तरंग की एक विशेषता है जिसके आधार पर समान प्रबलता और समान आवृत्ति की ध्वनियों के बीच जो है डिफरेंस आप बता सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका यहाँ पर, जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य बातचीत की जो है फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होती है, तो इसको आप याद रखिएगा ये 40 डेसिबल होता है, और फुसफुसाहट की अगर बात की जाए तो 20 डेसिबल। इसी में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता, ध्यान रखिएगा ये दोनों याद रखिएगा कि जो है सामान्य बातचीत की जो है आपकी प्रबलता कितनी होगी, तो 40 डेसिबल होगा, फुसफुसाहट की कितनी होगी 20 डेसिबल होगा। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता ध्वनि की प्रबलता मापा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डेसिबल में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में यूपी कैटेट में, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है, तो ये आपका डेसिबल होता है, नोट कर लीजिए डेसिबल, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, जैसे प्राश्रव्य अपश्रव्य इन सब के बारे में समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ऐसी जो आवाज़ होती है, ऐसी जो साउंड होती है उसे कहते हैं श्रव्य तरंग, उसे कहते हैं श्रव्य तरंग, उसे कहते हैं ऑडिबल वेव, ध्यान रखिएगा ऑडिबल वेव, ऑडिबल वेव कहते हैं, श्रव्य तरंग कहते हैं। तो अगर श्रव्य तरंग की आवृत्ति परिसर पूछा जाए कि श्रव्य तरंग का आवृत्ति परिसर कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑडिबल वेव की फ्रिक्वेंसी रेंज इतनी होती है। इसी तरीके से इंफ्रासोनिक का पूछा जाता है, इंफ्रासोनिक मतलब अपश्रव्य की आवृत्ति परिसर, अपश्रव्य की आवृत्ति परिसर पूछा जाएगा, फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक जो वेव होती है उनकी आवृत्ति परिसर जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। बच्चों 20 हर्ट्ज से कम वाली आवाज़ जो होती है वह इंफ्रासोनिक के जो है श्रेणी में आती है। इसी तरीके से एक और पूछा जाता है, अब पूछा भी जा चुका है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक का मतलब होता प्राश्रव्य, अल्ट्रासोनिक का मतलब होता प्राश्रव्य, इसको हिंदी में कहते हैं,
इसकी जो आवृत्ति होती है, प्रासरभ्य ध्वनि तरंगे जो होती हैं इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस वीडियो में बच्चों हमने क्या मेन चीज़ें बताया कि ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल होती है, ठीक है, और जो है आपको याद रखना है विभिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगे उनकी आवृत्तियाँ क्या क्या होती हैं, मतलब श्रव्य की क्या होती है, ऑडिबल की क्या होती है, और प्रासरभ्य अल्ट्रासोनिक की कितनी होती है, और जो है इंफ्रासोनिक की कितनी होगी। तो बच्चों इस वीडियो को आप लोग जो है जितना भी हमने बताया उन सारे पॉइंट्स को कॉपी में नोट कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे तरंग गति से संबंधित वो आप लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे, जो यूपी कैटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। आप सभी लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको पसंद आया हो लाइक भी करिए। धन्यवाद।